Now, children, let's move on to chapter number 10, and the name of the chapter is Indian Art and Culture. So, here we are going to learn about Indian art and uske kaun-kaun se cultures hain. So, yahan pe aapko kya karna hai? Can you match the art style described in the schools of Indian art? So, yahan pe kuch Indian art schools hain, unko hame in descriptions ke saath match karna hai. Aur inke pictures bhi aap dekh sakte hain, yahan pe di gayi hai. तो पहला है दिस स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड इन द हिल किंगडम्स ऑफ बसोली कांगड़ा एंड गुलेर. सो ये जो आर्ट स्कूल है ये बसोली कांगड़ा और गुलेर किंगडम्स में एस्टैब्लिश हुआ था. माइथोलॉजी एंड लिटरेचर वर द मेन थीम्स. और इस स्कूल में जो माइथोलॉजी और लिटरेचर है ये जो है यहाँ का मेन थीम था. तो ये कहाँ का है? ये है पहाड़ी स्कूल. आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको हिल्स एंड माउंटेन्स और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा. नेक्स्ट द अष्ट सहस्रिका प्रजना परमित्र इज अ बुद्धिस्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड इन द स्टाइल ऑफ ईस्टर्न इंडियन स्कूल. सो ये क्या है? एक तरीके का पाम लीफ है जिसके ऊपर जो है पेंटिंग की गई है. मीन्स इसको जो है उस तरीके से जो है एस्टैब्लिश किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है. तो अब आप देख सकते हो एंड दिस द सही द करेक्ट आंसर इज पाला पेंटिंग. तो पाला पेंटिंग में क्या है? जो पाम लीफ है उसको ही उस फॉर्म में डेवलप किया जाता है. Next, third one is this school of art was influenced by the Persian style of painting between the 16th and 18th century. ये जो school है art का ये जो है Persian style से influenced है. और कब हुआ था ये? 16th से 18th centuries के बीच में. The Babarnama and the Akbarnama are examples of this style. So ये दोनों जो है इस time के ही पेंटिंग्स हैं. मिनिएचर्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्कूल. और इस स्कूल में मिनिएचर पेंटिंग्स भी बनाए जाते, मीन्स छोटे छोटे पेंटिंग्स भी बनाए जाते थे. एंड दिस इज मुगल स्कूल जिसमें ये बाबरनामा और अकबरनामा दोनों ही बनी थी. नेक्स्ट फोर्थ वन इज द रागमाला और पुरानास वर एग्जीक्यूटेड इन दिस स्टाइल फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया एंड फ्लरिश इन द कोर्ट ऑफ राजपूत किंगडम लाइक बूंदी मेवा जयपुर एंड किशनगढ़. सो रागमाला और पुराना जो थे ये वेस्टर्न स्टाइल थे. एंड यहाँ पे ये जो किंगडम्स है यहाँ पे ये पेंटिंग्स काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी. दिस स्कूल ऑल्सो प्रोड्यूस मेनी मिनिएचर्स. और इस स्कूल में बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई थी. तो द स्कूल इज राजपूत स्कूल. तो चिल्ड्रन वी हैव डन फोर, रेस्ट थ्री यू हैव टू फाइंड आउट एंड डू इट योरसेल्फ.